सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिल आपके पास एक ही फाइल में है अगर आपने ये मास्टर पी फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है सो हेलो बच्चा लोग वेलकम बैक और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2021 ट्वेंटी वन ऑगस्ट अटैम्प्ट में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक रहता है और इस अटैम्प्ट में भी फोर्टीन क्वेश्चन टोटल आपको मिले थे अप्रॉक्सिमेटली हर पेपर में दो सवाल था ठीक है आगे बढ़ने से पहले जरूर से इस रिवीजन वीडियो को देखिए आपका कंप्लीट ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बहुत कम से कम समय में ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस पी में भी है ठीक है तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द ई एम एफ ऑफ द सेल इज 2.2 पॉइंट वोल्ट एंड इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज पॉइंट ओम जो कि यहाँ पे फिगर में हमें दे रखा है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द होल सर्किट ठीक है कंप्लीट सर्किट में हमसे पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड कितना है अब यहाँ पे क्या है कि इस सर्किट को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो क्यों ना इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया जाए ठीक है आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने ए नाम दिया है तो हम बेसिकली इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है बीच में सो देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि इस पॉइंट को भी आप ए बोल सकते हो ये वाला पॉइंट आपका बी है तो आप इस पॉइंट को भी बी बोल सकते हो और इस पॉइंट को भी आप बी बोल सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हो और अगर एग्ज़ाम में है तो आप यहीं से देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका फोर ओम दिस फोर एंड दिस एट ओम हालांकि यहाँ पे तो आपको देखना चाहिए कि ये चार ओम और ये आठ ओम आपस में सीरीज़ में है और ये दो ओम और ये चार ओम आपस में सीरीज़ में है तो देखिए किस तरीके से हम लोग सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हैं ये आपका पॉइंट ए बना लिया ये आपका पॉइंट बी बना लिया ठीक है ये चार ओम ए और बी के बीच में है तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं ये वाला हो गया आपका ऊपर वाला फोर ओम बढ़िया है अब यहाँ पे ये वाला जो चार ओम है और ये आठ ओम आपस में सीरीज में है तो ये हो गया आपको बारह ओम एंड दैट ट्वेल्व ओम इज़ अगेन इन बिटवीन ए एंड बी तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया सिंपली ट्वेल्व ओम ठीक है अब ये वाला दो ओम और ये वाला चार ओम आपको सीरीज़ में है यानी टू प्लस फोर सिक्स एंड दैट सिक्स ओम इज़ इन बिटवीन ए एंड बी तो फिर से यहाँ पे एक और बना लेते हैं ये सिक्स ओम एंड लास्ट में आपका ये जो आठ ओम है ये भी ए और बी के बीच में है तो इसको भी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस इज़ योर एट ओम ठीक है अब ए और बी के अक्रॉस ही आपका ये सेल भी लगा है और इस सेल का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है द बैटरी इज 2.2 पॉइंट टू वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टेंस इज पॉइंट सिक्स ओम हमसे पूछ रहा है टोटल पावर डिसिपेटेड सो दैट पावर डिसिपेटेड इज नथिंग बट वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वेलेंट तो इस सर्किट का हमको आर इक्वेलेंट सॉल्व करना होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए तो चार बारह छः और आठ आपस में पैरेलल में है तो इन चारों का पहली बात तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर वन बाई फोर प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई एट ठीक है यहाँ पे अगर हम लोग ट्वेंटी फोर एल सी एम ले लें तो ये आपको कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू प्लस फोर प्लस थ्री यानी कि दिस आर इज़ नथिंग बट योर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टू एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन यानी कि एट बाई फाइव विच इज़ नथिंग बट वन पॉइंट सिक्स राइट देर फॉर वट इज़ आर इक्वेलेंट तो आर इक्वेलेंट में तो ये चारों पैरल में है एंड दैट इज इन सीरीज विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट सिक्स ओम तो आर इक्वेलेंट आपका हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स प्लस पॉइंट सिक्स तो ये अपने को आ रहा है टू पॉइंट ओम, ठीक? ठीक? तो अब अपना आंसर आ जाएगा. P यानी कि 2.2 2.2 का आई होप क्लियर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सवाल में हमसे कहता है वॉट इक्वल लेंथ वॉट इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर and a copper nickel alloy wire, each of each of 2 mm diameter, connected in parallel to give an equivalent resistance of 3 ohm. ठीक है सो so सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पे दो वायर है एक ये वाली वायर है और एक नीचे एक और वायर है ठीक है ऊपर वाली वायर जो है आपको वो आयरन है और नीचे वाला आपको बेसिकली कॉपर निकल अलॉय है कॉपर निकल अलॉय है ठीक है हमें इस वाली वायर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है इसको रोवन बोल देते हैं इस वाली वायर का रेजिस्टिविटी रो टू है ऊपर वाले का लेंथ एल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा नीचे वाले का भी लेंथ एल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा ठीक है हमसे ये एल पूछ रहा है सो दैट द आर इक्वेलेंट इज़ थ्री ओम बढ़िया है सो वॉट इज़ वन बाई आर इक्वेलेंट वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू सिंपल है एकदम अच्छा नौ वन बाई आर इक्वलेंट हमें थ्री दे रखा है आर वन को क्या पुट करोगे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर वन कितना हो जाएगा रो वन एल बाई ए सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग आर टू को लिखे सो हियर योर आर टू इज इक्वल टू रो टू एल बाई ए उसी चीज़ को यहाँ पे सब्सट्यूट कर दो तो आर वन को आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो ये आपको हो जाएगा ए अपॉन रो वन इं एल प्लस ए अपॉन रो टू इं एल अब राइट हैंड साइड से आप ए अपॉन एल को कॉमन खींच लो सो ए अपॉन एल वन बाई रो वन प्लस दिस इज वन बाई थ्री वॉट इज ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज नथिंग बट योर पाई डी स्क्वायर बाई फोर वे डी इज योर डायमीटर अब ध्यान से देखिएगा डी आपको दे रखा है टू एम एम सो टू एम का स्क्वायर करोगे और इस एम mm को मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा सो so, स्क्वायर करने के बाद ये आपको आने वाला है फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स यानी क्रॉस एक्शन एरिया आपको इतना आ जाएगा यहां पे पुट कीजिए दिस इज योर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एल एल इज योर लेंथ और यही हमें सॉल्व करना है ब्राकेट वन बाई रो वन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें एक रेजिस्टिविटी दे रखा है ट्वेल्व माइक्रो ओम सेंटीमीटर और दूसरा है फिफ्टी वन माइक्रो ओम सेंटीमीटर ठीक है तो उसे भी आप एस SI आई में कन्वर्ट करें माइक्रो को किया तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेंटीमीटर को मीटर में किया तो टेन टू द पावर माइनस टू सो ट्वेल्व टाइम्स टेन टू द पावर माइनस एट प्लस वन अपॉन फिफ्टी वन टाइम्स टेन टू द पावर माइनस एट ठीक है अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेंट टू द पावर माइनस एट को यहाँ से हटाइए और इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे बचने वाला है हंड्रेड बेसिकली ठीक है सो यहाँ पे आपको हंड्रेड बचने वाला है बढ़िया है और ये जो थ्री है आप इससे इसको कट्स Uh, करेंगे तो ये फोर बचेगा इसको कट करेंगे तो ये आपको सेवनटीन बचेगा इस वाले लेंथ को लेफ्ट साइड ले जाइए जो हमें सॉल्व करना है सो एल इज़ इक्वल टू हंड्रेड इंटू पाई सो हंड्रेड इंटू पाई एंड पाई इज़ योर ट्वेंटी टू बाई सेवन ब्राकेट में आपके पास यहाँ पे वन बाई फोर प्लस वन बाई सेवनटीन है तो क्यों ना आप फोर इंटू सेवनटीन यानी कि सिक्सटी एट ले लीजिए तो ऊपर आएगा सेवेंटीन प्लस फोर विच इज़ योर ट्वेंटी वन हमें बस इस वाले चीज़ को अब सॉल्व करना है तो 721 को कट करेगा तो ये थ्री हो जाएगा दिस इज़ योर 11, दिस इज़ योर 34. फोर सो लेंथ इज योर हंड्रेड टाइम्स 33 थ्री बाई थर्टी मीटर्स अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको पूरा पूरा अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 33 थ्री बाई थर्टी जो है वो आपको वन से छोटा होने वाला है ठीक है और वन से छोटा वो वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानी कि आपको जो आंसर है ना वो नाइन्टी से ऊपर होगा और यहाँ पे नाइन्टी से ऊपर एक ही ऑप्शन देख रहा है नाइन्टी सेवन तो आप ये ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आसानी से ठीक है आप चाहो तो इसको डिटेल में सॉल्व भी कर लेना थर्टी थ्री बाई थर्टी फोर आपको आने वाला है पॉइंट नाइन सेवन ठीक ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छा इफ़ यू आर प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ रजिस्टेंसेज टू ओम फोर ओम सिक्स एंड एट कनेक्ट दीज रजिस्टेंसेज सो एज टू ऑप्टेन एन इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फोर्टी सिक्स बाई थ्री ओम यहाँ पे चार ऑप्शन है सो तो बेसिकली यहाँ पर आपको चारों चेक करना पड़ेगा ठीक है अब जनरली इन ऑप्शंस को इस तरीके से सेट से किया जाता है कि बच्चा ऊपर से शुरू करता है ना तो आपको जो आंसर होगा ना वो लास्ट टू में से कोई होता है तो जब ऐसा कोई सवाल देखो तो नीचे से शुरू करना सॉल्व करना ठीक है एंड वेन यू विल डू दिस यू विल फाइंड कि आपका आंसर नीचे वाले में से कोई एक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या बोलता है टू एंड फोर ओम आर इन पैरल विथ सिक्स एंड एट इन सीरीज तो ये सिचुएशन ऐसा है दो ओम और आठ ओम और आपस में ये लोग सीरीज में हैं किसके साथ सिक्स ओम एंड एट ओम दिस फेलो इज योर टू ओम एंड दिस फेलो इज़ योर फोर ओम आप इसका आर इक्वेलेंट चेक कर लो सो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच टू और फोर आपका पैरल में है यानी कि टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर प्लस ये दोनों आपस में सीरीज में है तो सिक्स प्लस एट तो ये आपको कितना हो जाएगा दिस इज योर एट बाई सिक्स प्लस फोर्टीन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये थ्री है ये आपका फोर है सो फोर प्लस एल लिया तो ये आपको आने वाला है फोर्टी टू बाई थ्री सो दिस इज फोर्टी सिक्स बाई थ्री ओम एंड यू कैन सी कि ये आपका मैच कर जाएगा तो हमेशा नीचे से ही ऑप्शन को चेक करना शुरू करें तो आपको जल्दी आपका आंसर मिलेगा ठीक है अगर कोई बच्चा ऊपर से शुरू करता है तो वो सबको चेक करता हुआ फिर फोर्थ तक पहुँचेगा ठीक है यही इसका तरीका है नथिंग एल्स चलिए ओके लेट सी दी फोर्थ नंबर क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 हंड्रेड वॉट एट 100 वोल्ट इज यूज इन अ सर्किट हैविंग अ टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट पावर डिलीवर्ड द बल्ब इज फाइव हंड्रेड वॉट अब इसका मतलब क्या है कि एक बल्ब है ऑफ़ 500 हंड्रेड वॉट एट हंड्रेड वोल्ट इसका मतलब ये है कि अगर उस बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तब वो बल्ब 500 हंड्रेड वाट कंज्यूम करता है तो हमसे कहता है कि उस बल्ब के साथ सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये बल्ब आपको 500 सौ वाट कंज्यूम करे ठीक है 500 सौ वाट ये बल्ब कंज्यूम करे इसका मतलब है कि इसके across हंड्रेड वोल्ट होगा तो बाकी बचा हंड्रेड वोल्ट इसके अक्रॉस है अब अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग आर बी मान लेते हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हंड्रेड परसेंट सेम होना चाहिए ताकि आपका ये टू हंड्रेड वोल्ट का डिविज़न इक्वल हुआ तो हमें यह पता चल गया है कि दिस आर इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब दैट इज इक्वल टू योर वी स्क्वायर बाई पी है ना वी स्क्वायर बाई पी वेर वी इज योर हंड्रेड वोल्ट बल्ब का जो पावर रेटिंग है सो हंड्रेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर फाइव हंड्रेड और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए तो ये आपको आने वाला है ट्वेंटी ओम्स विच इज योर ऑप्शन नंबर वन क्लियर है एकदम चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओम एंड ई एम एफ फाइव वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन पैरल विथ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर तो आपने एक बारी सीरीज में जोड़ा हुआ है और एक बारी पैरल में जोड़ा हुआ है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ आर करेंट इन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम ठीक है तो हमारे पास ये सिचुएशन है यहाँ पे आपके पास पांच आइडेंटिकल सेल है तो एक दो बीच में यहाँ पे डैश डैश है यानी कि दो और होंगे और ये आपका फिफ्थ वन ये आपने कनेक्ट किया है इन सीरीज विथ दिस रेजिस्टेंस आर और सेकेंड सिचुएशन में सब कुछ पैरल में है ठीक है हमसे क्या कहता है कि इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जो करेंट हो इसके अंदर वो सेम होना चाहिए करंट शुड बी सेम तो कुछ नहीं दोनों के करंट के इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये सवाल जो है ना आपका ई e ईक्वेलेंट का सवाल है आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा ई एम का इक्वेलेंट तो ये वही सवाल है तो लेफ़्ट वाले में अगर हम करंट की बात करें तो वो आपको हो जाएगा ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट अब इस केस में आपका ये सेल का सारा बैटरीज एडअप हो जाएगा तो फाइव आपको कितनी बार है पाँच बार है सो आई कैन राइट फाइव इंटू फाइव दैट इज़ योर ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई आर इक्वेलेंट तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे वन वन पाँच बारी है तो फाइव ओम प्लस कैपिटल आर सो फाइव प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू अब इस वाले करंट को लिखने से पहले आपको पैरेलल वाला भी पता होना चाहिए कि पैरेलल में इस इस पूरे सर्किट को हम लोग यहाँ पे रिड्रॉ कर सकते हैं किस तरीके से ये आपको रेजिस्टेंस आर हो गया और नीचे वाला जो ये पूरा पोर्शन है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल ईएमएफ से और एक सिंगल रेजिस्टर से जहाँ पे ये वाला जो ईएमएफ होता है क्योंकि ये पांचों सेम है तो ये ई e ही रह जाएगा और ये जो आपका आर इक्वलेंट होगा इंटरनल रजिस्टेंस का वो आपको हो जाएगा आर बाई फाइव ठीक है सो बेसिकली आर बाई एन होता है यहाँ पे ये आर बाई फाइव हो जाएगा सो so अगर आप यहाँ पे हम आई को लिखे सो दैट इज गोइंग टू बी योर ई इज योर फाइव वोल्ट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन फाइव सो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू वन है सो वन बाई फाइव ठीक है अब हमें इसको बस ईजिली सॉल्व uh, कर लेना है uh, अगर हम राइट right साइड में डिनोमिनेटर वाले फाइव को एलसीएम ले ले राइट right? तो ये वाला फाइव ऊपर जाके ट्वेंटी फाइव बना देगा एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑर फाइव आर प्लस वन सो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आपका खत्म हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे दिस इज योर फाइव प्लस आर सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर फोर आर इज इक्वल टू फोर यानी कि आर की वैल्यू वन ओम होगी विच इज योर ऑप्शन नंबर वन क्लियर एकदम ठीक है तो ये ई एम इक्वलेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए अगर नहीं ध्यान में है तो तो ये अपना सिक्स क्वेश्चन है इसमें हमसे बोलता है फर्स्ट अ सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ टेन ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ट्वेंटी वोल्ट एंड रेजिस्टेंस टेन ओम अ करंट आई इज ऑब्जर्व टू फ्लो उसके बाद सिमिलर सिचुएशन है लेकिन पैरल में ठीक है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द करंट इज़ इंक्रीज ट्वेंटी टाइम्स वेन द सिचुएशन इज़ इन पैरल तो हमसे उस एन की वैल्यू पूछ रही है कितना वो रजिस्टर्स था उनकी क्वान्टिटी पूछी जा रही है तो ये आपके सामने सिचुएशन है आ, पिछले सवाल जैसा ही है थोड़ा बहुत सिमिलर है तो इस केस में मान लेते हैं आपको जो करंट है वो आई है देन इन द सेकेंड सिचुएशन करंट इज़ गोइंग टू बी ट्वेंटी आई ठीक है अब फर्स्ट सिचुएशन में आपके पास ये जो 10 ओम है वो एन टाइम्स है और सेकेंड सिचुएशन में ये जो 10 ओम रेजिस्टर्स पैरल में है वो भी एन टाइम्स है तो पहले सिचुएशन में अगर हम करंट आई को लिखे तो वो हम लिख सकते हैं ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी अपॉन पूरे सिस्टम का आर इक्वल दैट इज गोइंग टू तो बी टेन प्लस ये आपको एन टाइम्स है यानी कि टेन प्लस टेन इंटू एन यानी कि आपका जो आई हो जाएगा इफेक्टिवली योर आई इज गोइंग टू बी नथिंग बट टू अपॉन वन प्लस एन ठीक है इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ना सेकेंड सिचुएशन में ये जो आपका करेंट ट्वेंटी आई है दैट इज ट्वेंटी आई इज इक्वल टू बैटरी आपके पास ट्वेंटी वोल्ट है डिवाइडेड बाई टेन प्लस और ये जो दस है वो आपको पैरल में है यानी कि टेन अपॉन एन इम्प्लाइज ट्वेंटी टाइम्स इस करंट को हम इक्वेशन नंबर वन से रिप्लेस कर देते हैं तो वन प्लस एन हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आप इन जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हो सो दिस इज गोइंग टू बी योर और डिनोमिनेटर के इस एन को एलसीएम ले लो तो ये आपको हो जाएगा टू एन अपॉन एन प्लस वन तो आप देख सकते हैं इजिली आप इसको इसको कट कर दोगे ये वाला टू भी कट हो जाएगा और आपका एन जो है वो ट्वेंटी आंसर आ जाएगा सो दिस इज योर ट्वेंटी ठीक है चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये सवाल आपका बहुत ही ईजी सा सवाल है लेकिन तब अगर आपको कलर कोडिंग याद है ठीक है हमारे रिविजन वीडियोज़ में भी ये वाला टेबल आपको मिलेगा इवन पी डी एफ में भी अटैच्ड है इसको याद रखें तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हमें यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं वाइलेट ग्रीन रेड गोल्ड, इलट का जो नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे सेवन है ग्रीन का नंबर फाइव है रेड का नंबर टू है और गोल्ड होने का मतलब है कि जो आपका टॉलरेंस है वो आपको फाइव परसेंट है ठीक है सो so, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर रेड का जो नंबर है दैट इज़ योर टू और यहां पे आपको आ जाएगा प्लस माइनस टॉलरेंस यानी कि फाइव परसेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस विच इज यवेंटी फाइव हंड्रेड फाइव परसेंट ऑफ फाइव परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड सो आंसर कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस माइनस एंड फाइव परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड कितना होता है यह आपको आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक चलिए लेट सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इजी क्वेश्चन है ये भी द रेशियो ऑफ द इक्वेलेंट रजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ए एंड बी वैन स्विच इज ओपन एंड वैन स्विच इज़ क्लोज तो अगर आपका ये स्विच ओपन है तो ये आर और ये टू आर आपस में सीरीज़ में होगा ये टू आर ये आर भी आपस में सीरीज में होगा वो दोनों आपस में पैरल में होंगे तो so, इसका हो जाएगा थ्री आर इसका हो जाएगा थ्री आर सो वॉट इज गोइंग टू बी दी आर इक्वेलेंट इन दर्स्ट सिचुएशन दैट इज गोइंग टू बी आर थ्री आर बाई टू सेकेंड सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें हमको बोलता है कि स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया है अब ये दोनों आपस में पैरल में हो जाएंगे यानी कि इसका हो जाएगा आपको 2r आर बाई थ्री ये दोनों आपस में पैरल में हो जाएंगे यानी इनका हो जाएगा 2r आर बाई थ्री और ये 2r आर बाई थ्री आपस में सीरीज में है यानी कि ये आपको आने वाला है 2r आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री विच इज योर 4r आर बाई थ्री तो ये दोनों हो गया आपका आर इक्वलेंट्स और इसका रेशियो पूछ रहा है हमसे इनका हमसे रेशियोज पूछ रहा है देयर फॉर आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर आर कट जाएगा नाइन थ्री ऊपर जाएगा तो नाइन और टू नीचे आएगा तो ये एट सो नाइन बाई एट इज योर आंसर तो एक्स की वैल्यू नाइन हो जाएगी क्लियर एकदम चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कंसिडर अ गैलवनोमीटर शंटेड विथ फाइव ओम रेजिस्टेंस तो आपके पास यहाँ पे एक गैलवनोमीटर है और यहाँ पे आपको एक शंट है ऑफ रेजिस्टेंस ओम, राइट? हैलवनोमीटर का अपना ही एक रेजिस्टेंस होगा आर जी राइट टू परसेंट ऑफ करेंट पासिस थ्रू इट तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे करंट आई है तो दो परसेंट करेंट इसमें जा रहा है यानी कि पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई आई इसमें जा रहा है तो बाकी बचा पॉइंट नाइन एट आई ऊपर जा रहा होगा हमसे पूछता है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर हमसे आर जी की वैल्यू पूछ रही है तो जनाब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना है यानी कि पॉइंट ज़ीरो टू आई इन टू आर जी शुड बी इक्वल टू पॉइंट नाइन एट आई मल्टीप्लाइड बाई फाइव क्लियर एकदम सो करंट से करंट हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया सो योर आर जी इज इक्वल टू नाइनटी एट सॉरी नॉट नाइन्टी एट ये डेसिमल डेसिमल आप उड़ा सकते हो टू को नाइन्टी एट डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन टाइम फाइव सो दिस इज गोइंग टू बी फाइव नाइन फोर्टी फाइव दिस इज योर टू फोर्टी फाइव ओम टू फोर्टी फाइव येस इट इज इन द ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन स्क्वायर शेप्ड वायर विथ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड थ्री ओम इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल तो आपके पास पहले एक स्क्वायर शेप था इसके ईच साइड आपको तीन ओम के बराबर थे फिर आपने इस पूरे शेप को है ना एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है कर दो भाई आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है हमसे पूछता है द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स यानी कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया है एक पॉइंट बी ले लिया है तो इस ए और बी के अक्रॉस हमसे आर इक्वलेंट पूछ रहा है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा बेसिकली सिक्स ओम राइट और नीचे वाले का रेजिस्टेंस आपके पास हो गया है अगेन सिक्स ओम समझ में आ रहा है ना तो अब हमसे ए और बी के अक्रॉस आर इक्वेलेंट पूछ रहा है तो ये और ये छ आपस में हो गया है पैरल में तो आर इक्वेलेंट कितना आ जाएगा सिक्स और सिक्स पैरल में है तो थ्री ओम सो थ्री इज द आंसर राइट थ्री इज द आंसर बहुत ईजी सवाल है विद इन थर्टी सेकेंड्स आपको ये सवाल एग्जाम में क्रैक करना है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखिए द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फिफ्टीन ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी हाउ मच तो ये जो आपको 15 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है तो एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे, दे देते हैं बी सो बेसिकली हमसे ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अब क्या करो सबसे पहले थोड़ा सा इस सर्किट को ना एक बार रिड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट है सी और ये जो पॉइंट है डी इसको यहाँ पर एक बार ही बना लिया अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिड्रॉ किया जाए तो ऊपर में आप ध्यान से देखिए तो ये फोर और ये फोर का इक्वेलेंट कितना हो जाएगा टू तो यहाँ पे हमने बना लिया है टू ओम ठीक है ये आपको हो गया टू ओम यहाँ पे ऑलरेडी एक टू ओम है तो उसको भी बना लेते हैं ये भी आपको हो जाएगा टू ओम और इस ए और बी के क्रॉस पंद्रह और दस आपस में पैरल में है तो इनका इक्वेलेंट कितना हो जाएगा फिफ्टीन और टेन का सो फिफ्टीन इंटू टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन प्लस टेन यानी कि ट्वेंटी फाइव तो ये आपको निकल के आ रहा है छः तो यहाँ पे एक हमने बना लिया है ओम ठीक है ध्यान से देखिएगा सो दिस इज योर सिक्स ओम और ये सिक्स ओम के अक्रॉस ही तो है ये दो टर्मिनल्स ए एंड बी राइट तो ये जो दो टर्मिनल्स है मेरा ए और बी हमें इसके अक्रॉस ही बेसिकली निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस नीचे में भी अगर हम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करें तो आठ और आठ का इक्वेलेंट हो जाएगा चार ओम और ये दोनों बारह और बारह का इक्वेलेंट हो जाएगा छः ओम ठीक है ये आपका हो गया है ओम बढ़िया है और यहां से आपके पास एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस और है दिस इज योर वन ओम दिस इज योर टूवेल्व वोल्ट ठीक अब यहां पे आप ध्यान से देखिए टू टू और सिक्स ये कितना हो जाएगा टेन और ये भी आपको टेन है तो इन दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा टेन और टेन का हो जाएगा फाइव दैट फाइव ओम इज इन सीरीज विद दिस वन ओम यानी कि फाइव प्लस वन सिक्स तो करंट कितना निकल रहा है यहाँ से दिस करंट इज़ हाउ मच दिस करंट इज इक्वल टू बैटरी अपॉन पूरा इक्वलेंट विच इज़ योर सिक्स ओम. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टू एम्पियर यानी कि यहाँ से करंट आपको निकल रहा है दो एम्पियर और यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना क्योंकि ये भी दस है और ये भी दस है तो करंट इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे भी आपको वन एम्पियर और नीचे में भी आपको वन एम्पियर घुसा है तो ऊपर में वन एम्पियर जा रहा था सो वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी दैट इज गोइंग टू बी योर करंट इंटू रेजिस्टेंस वन इंटू सिक्स विच इज यही हमें निकालना था तो इस सवाल का सही जवाब आपको हो जाएगा सिक्स वोल्ट ठीक है आई होप आपको सवाल एकदम क्लियर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमसे यहां पे क्या पूछता है द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इज हाउ मच ठीक है आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये आपको एक प्लेन वायर है सो so बेसिकली इस फाइव ओम का इस पूरे सवाल में कोई रोल ही नहीं है बात समझ में आ रही है अगर आपने इस टर्मिनल को ए बोल दिया है सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी ए लिया हुआ है इसको अगर हमने एक्स बोल दिया है तो यहाँ से यहाँ देखिए आपको इस ये भी आपको एक्स है सो so इसके थ्रू आपको बेसिकली कोई करंट नहीं फ्लो करना राइट right? तो आप इस सर्किट में ना इस वाले फाइव ओम को इग्नोर कर सकते हैं तो इसको देखिए हमने यहाँ से बेसिकली हटा दिया है ये देखिए वी हैव रिमूव्ड दिस पार्ट राइट अब आप देख सकते हैं सवाल आपको हो गया है इजी ये दो ओम और ये दो ओम आपस में पैरल में है यानी कि वन ओम नाउ दैट वन ओम इज़ गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस टू ओम तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा राइट right? और वो थ्री ओम इसके साथ और इसके साथ पैरल में है बात समझ में आ रहा है अगर हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्रॉ कर दे तो ये आपका ए बी है आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक तीन ओम है यहाँ पे आपके पास एक तीन ओम है दीज टू आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग बट ये दो ओम ये दो ओम पैरेलल में है तो इसका वन ओम आता है और उस वन और टू का सीरीज में थ्री ओम आता है सो तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक और थ्री ओम है न ये तीनों ही आपको पैरेलल में है तो फाइनल आंसर जो मेरा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थ्री अपॉन थ्री क्योंकि तीन बार है तो ये आपको हो जाएगा आंसर वन ओम दिस इज योर ऑप्शन नंबर फोर क्लियर है आई होप आप इस तरीके से जल्दी जल्दी इस इन सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रजिस्टर डिसिपेट्स 192 नाइनटी टू जूल ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड वेन अ करेंट ऑफ फोर एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट ठीक है तो ये आपको बेसिकली रजिस्टर है और अगर एक रजिस्टर से आई करंट फ्लो करता है देन द हीट डिसिपेटेड इज बेसिकली गिवन बाई आई स्क्वायर आर इन टू टी तो हमारे पास पहला सिचुएशन क्या है कि भैया जो हीट डिसिपेटेड है वो है 192। व्हेन टू द करंट इज़ फोर एम्पियर तो फोर का स्क्वायर रजिस्टेंस हमें नहीं दिया है तो उसको आर मान लेते हैं और टाइम हमारे पास वन सेकेंड है सेकेंड सिचुएशन में हमसे क्या बोलता है नाउ वेन द करंट इज़ डबल्ड राइट एंड द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन फाइव सेकेंड इज अकॉर्ग टू बी हाउ मच तो हमसे हीट पूछ रहा है वेन दी करंट इज डबल पहले चार एम्पियर था अब हो गया है आठ एम्पियर रजिस्टर वही रहने वाला है एंड टाइम हैज बिन इंक्रीज टू फाइव सेकेंड्स दिस इज ऑर इक्वेशन नंबर टू हमें यहाँ पे एच की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्यों ना इक्वेशन नंबर टू और वन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए यानी कि एच अपॉन वन नाइनटी टू इज इक्वल टू एट स्क्वायर इंटू आर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर इंटू आर इंटू वन तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका आर से आर खत्म इसको इसको कट करेंगे तो यहां पे आपको फोर बचने वाला है यानी योर आंसर इज एच इज इक्वल टू वन नाइन्टी टू टाइम्स ट्वेंटी इसको मल्टीप्लाई किया तो फोर टू नाइन एटीन थ्री जीरो सो थ्री एट फोर जीरो जूल्स सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी थ्री एट फोर जीरो क्लियर है एकदम चलिए लेट सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यूनिफॉर्म हीटिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस थर्टी सिक्स ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू फोर्टी वोल्ट द वायर इज देन कट इंटू हाफ राइट तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन को देख लेते हैं आपके पास यहाँ पे बेसिकली एक रजिस्टर है जो आपको थर्टी सिक्स ओम का है और इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है टू फोर्टी वोल्ट का न सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है द वायर इज कट हाफ तो एटीन एटीन ओम्स ईच हो जाएंगे ये एक एटीन ओम और यहाँ पर एक और एटीन ओम दिस इज योर एटीन ओम्स ईच और इन दोनों के अक्रॉस फिर से टू फोर्टी वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इसके अक्रॉस भी टू फोर्टी वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी टू फोर्टी वोल्ट्स है द रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रिपेशन इन द फर्स्ट केस टू द टोटल पावर डिस्ट्रिपेशन इन द सेकेंड केस वुड बी हाउ मच राइट सो बेसिकली पी वन अपॉन पी टू हमको निकालना है वेर पी वन इज वॉट वी स्क्वायर बाई आर होता है फर्स्ट सिचुएशन में आपका v कितना है 240 फोर्टी स्क्वेयर अपॉन आर डिवाइडेड बाई सेकेंड सिचुएशन में टोटल पावर निकालना पड़ेगा तो जितना पावर इसमें होगा उतना ही पावर इसमें होगा राइट सो बेसिकली टू टाइम्स हो जाना है सो टू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टू फोर्टी टू फोर्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटीन इसे बस आपको सॉल्व कर देना है सो टू फोर्टी का स्क्वायर टू फोर्टी का स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा एटीन इसको कट करेगा तो ये टू हो जाएगा लेकिन ये टू आपको नीचे आने वाला है सो टू इन टू टू इस फोर सो वन बाई फोर इज आंसर इसको कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू फोर निकल के आती है क्लियर है चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप आपको पूरा सेशन क्लियर है एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट दैन डू सब्सक्राइब द चैनल हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको कोई भी नया अपडेट मिस नहीं हो एंड वी शैल बी मीटिंग इन मोर वीडियोज तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय